हद ना आंदा जे हथ सिर ते ना हुंदा इक तेरे नाल आवादा मुछ नहीं नीवी होण दिंदा तेरे हुंदिया लत दस मेरी केड़ा खिच लूगा अचीवर पॉइंट प्रेजेंट्स रौनक कैंपस की तो अज असी तुहानू लैके चल रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल जो कि मदार कला श्री मुक्तसर साहब विखे स्थित है। विद्या दा तारा यह स्कूल जो कि बच्चों लिए एक वरदान है। स्कूल विखे अज के टाइम की हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। बीते दिन अचीवर पॉइंट कोटपुरा की टीम वालों गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल विखे विजिट किया गया। अचीवर पॉइंट की टीम वालों स्कूल के स्टूडेंट्स तो प्लस टू तो बाद स्टडी बारे जाना गया। इस मौके बच्चों वालों अपने विचार सांझे किए गए। आओ लेके चलते हैं तुहानू गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल मदार कला श्री मुक्तसर साहब विखे। विद्या दा दान दे रहा है और हमेशा क्रिएटिविटी दे विच विश्वास रखता। हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ दे विच जिस तरीके दे नाल अज अचीवर पॉइंट वाले जिहड़े आए हुए ने और ये कैरियर कॉन्शियस दे उपर तुहाडे नाल गलबात करनगे, तुहाडे क्वेश्चन दे आंसर देणगे। जो भी तुहाडे मन दे विच कोई भी किसी तरह की गलबात होगी बाहर जाण दे लई असीं धन्नवादी हाँ कोआर्डीनेटर मैडम दा। मैडम स्वागत है तुहाडा। Thank you, sir. We all welcome you here. And as you all know, today the main future point is for the student is for, they are seeking for abroad, hai na? So my students, it's my humble request. If you have any kind of doubt and you are planning for abroad, don't hesitate and ask your related any doubt you are having. So ask them. Okay? Madam, da bahut dhanwad aa sanu samay dein de layi. और जिस तरीके दे नाल बेटा अज तुहाडा लास्ट डे है स्कूल दे विच, अज दुख भी हो रहा मन नूं ते खुशी भी हो रही है। दुख तो यह हो रहा भी सारा ने बिछड़ जाना मुड़ के अपने अपने बॉक्स जा वड़ना जिंदगी दे विच, और खुशी इस गल दी है भी यू आर गोइंग फ्लाई। किसी ने फॉरन जाना, किसी ने डॉक्टर बनना, किसी ने इंजीनियर बनना, किसी ने होर फील्डां दे विच अपने जाना, किसी ने CA बनना, किसी ने CS बनना, तो सारे सारे फील्डां दे विच तुसीं जॉइन करना। पहला मैं मैडम नाल जिहड़े अचीवर पॉइंट वाले मैडम आ, मैडम स्वागत है तुहाडा। किंग सेंस 2008 एंड सर्विंग आर सर्विसेज एज अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई कैनेडा स्टडी परमिट अप्लाई करना है एंड नाउ करंटली वर्किंग ऑन द वर्क परमिट्स एज वेल द स्पाउस ओपन वर्क परमिट एंड अदर वीजा इंक्वायरीज वी आर हैंडलिंग एंड टॉकिंग अबाउट आर करंट रिजल्ट इन IELTS स्पेसिफिकली जेड़ा कि तुहाडा फर्स्ट स्टेप है फॉर स्टडी परमिट इफ यू वॉन्ट टू अपलाई इन कैनेडा। So first of all, I would like to ask that who all want to go abroad after this. Okay, ji, thank you. Who all want to serve their country, the India? As kis profession se jana chahunde ho abhi? Bolo. Want to be a doctor, engineer, CA? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰ ਕਮਰਸ ਸੀਐਲ ਬਣਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਐਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅਚੀਵਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸਕੂਲ ਆਲਸੋ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦੋਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਮਰਾੜ ਕਲਾਂ ਦੇ GGS ਸਕੂਲ ਦਾ is very good. So I can say that GGS da jo experience hai mera bahut vadiya si. I personally taught 2 or 3 students in my session in this jehda last apna gaya hai season. So there was 2-3 students bahut vadiya si jinna ne even 90 scoring vi ditti hai in one module. So I can say ke tusi bhi further interested hovoge and we are trying to give our best services. So if you have any query related to anything for Canada study permit, so you can ask freely. Beta utho koi na koi bhi tade mann de vich kise tarah da doubt hai, koi question clear karna hega, koi gap da, koi hor koi brother sister tada gaya kidda jana 2008 to jidda sir ne dassya, madam ne dassya ki 2008 to oh seva apni nibha rahe ne, about 15 saal da lamba experience hai unnan vidya de dani pehla to unnan ne jada hega education de naal kafi vadhiya unnan da reha sare di clear hai। मैडम होर ने तुहानू बड़ा मेहनत कराई भी इत्थे, तुहाडे तां बच्चों के मोहर ही लाउणी हुंदी आ, तुसीं तां पहले ही IELTS तुहाडे लई कोई ज़्यादा वड्डी गल नहीं है। स्पीकिंग, राइटिंग, वॉट एल्स, रीडिंग। सो तुहानू की लग रहा है कि तुहाडे स्कूल दे विच कैड़ी चीज़ की प्रैपरेशन तुहाडी हो चुकी है ऑलरेडी चारों मॉड्यूल्स दे विचों? चारों दी होगी। फिर थोड़ा जिहा टेस्ट लै लीए, राइटिंग दा ले लिए टेस्ट।
चलो टेस्ट नहीं लेंगे। अगेन आई एम सेइंग के कोई भी डाउट है किसी भी फाइल दे रिगार्डिंग या तुसी कोई भी प्रोफाइल डिस्कस करनी है ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर तो पूछ सकते हो तुसी फ्रीली। एंड वी ट्राई आर बेस्ट कि तुहाडा जो फील्ड दे रिलेटेड कोर्सेज है रेलेवेंट कोर्सेज तुहानू दवाइए बिकॉज एट प्रेजेंट की है अगर रिफ्यूजल्स आ रही हैं सो मेनली उहदा रीजन यही लिखिया हुंदा दैट योर कोर्स इज नॉट रेलेवेंट विद द स्टडी जो प्रीवियस तुसी स्टडी कर चुके हो सो उहदा कोर्स रेलेवेंट नहीं हुंदा। सो एज यू ऑल आर सिटिंग हेयर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट सो आई कैन से दैट अकाउंटेंसी वुड बी द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर ऑल। अकाउंटिंग किदा किदा फेवरेट है भाई? अकाउंट्स वाले सारन लो हायर हुंदे आ hard work not only for by the teachers done by the teachers because of our students also they are very much hard working even these students commerce section very good batch we had and we will always remember our students because how they what efforts they have done in their fields and what results they are going to produce we all know very good result they will give us and this is the only reason that is the combined efforts made by the teacher as well as the students. ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਸ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋ ਮਾਈ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਦੈਮ ਹੈ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਦ ਮੇਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਯੂ ਓਨਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਯੂ ਓਨਲੀ ਨੋਟ ਫੋਰ ਮੀ what I have to be and where I have to be I'm here it's just for you theek hai and seriously I'm also very much worried and very much sad ki now today is the last day of yours all the things all your all the like what I denied to you what I scoldings all I'll be remembering and still you have loved a lot still you have very effortlessly performed a good result for given a good result also so it is difficult to have this departure let me do in the sutana canada jana so IELTS would be the best option because jadon tusi pt karke canada di file lagaunde ho so tade kole jo options hai the number of colleges you can choose from so ho cut ho jandi hai australia accept karde hai aur wo computer based hundi hai man lo kise person nu IELTS difficult lag rahi hai and onu koi is cheez na matlab nahi hai ga ki chalo options je cut vi hundiyan sirf mera motive ki hai ki main canada pahunchna so pt karke ho person utthe ja sakda hai IELTS de vich kai var ki hai students di speaking ya reading de vich even problem ho jandi hai so ho wale students pt choose kar lende hai feeling very good the school has given me a lot of experiences and memories which are never forgettable I'll really miss the school feeling very emotional while leaving the school as per you know this is our last day in our school and I have spent a golden memories with our friends and done lot of things in the school and there is no worry in the school life and now when we are passed out from a school everything will be become complicated and we have to plan for everything and we will be responsible for each thing we do in our future till school it was limited to our parents and teachers so this moment requires emotional to all of our friends all the teachers are very hard working and it also encourages us to score good marks which will help in our future goals also thank you it's very emotional day to day but we have to do this because in future we will do a lot of things which can be done only after leaving this I am feeling very emotional and I am from last year I am studying in this school only and it's very difficult for me to leave this school and I will remember all the moments here as well Deepkar I am here from last 5 years and I have created many beautiful memories with friends and teachers there was a good relation between us very happy as well as emotional because it's our last day in our school I'll miss all the teachers and my friends very much
Though I've joined only last year, but still I have some great memories with me, which are unforgettable. And I'm really gonna miss this school. But still I wanna get rid of all these things because I wanna focus on my studies only. 10 to 12 years in this school, so it is very difficult to leave this school as I have enchanted many memories from my friends. That's my last year. I have spent 15 years in this school and it's hard to leave this school. I have many memories in this school. So at the last, ek cheez jo hai, advice de, all the best for your exams. Do your best. एंड जो थियरी है उदे लई मैं तुहानू यही कहूँगी कि फोकस करना है कि 60 तो एटलीस्ट आउट ऑफ 100 तुसी स्कोर करने ही है इफ यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन कैनेडा रिसीविंग वीजाज विद इन डेज इन 7 डेज ऑल्सो वी हैव रिसीव्ड एंड इन 15 डेज ऑल्सो सो लीस्ट टाइम इज द 7 डेज वी हैव रिसीव्ड वन वीजा एंड शी हैड गैप ऑल्सो सो आई वुड लाइक टू से कि तुसी फोकस यही करना कि तुहाडी प्रोफाइल जिहड़ी है स्ट्रोंग बनानी है सो एक वधिया स्कोर तुसी आपदे एग्जाम्स दे विच लो एंड एट द लास्ट आई अगेन वुड लाइक टू आस्क कि अगर कोई भी तुहाडी क्वेरी है तुसी पुछ सकदे हो So boys and girls, if you have any query related to anything for your study permit, so you can ask. Okay, ji. So thank you so much for your precious time to the students and to the staff members as well. So on the behalf of Achievers Point team, I would like to say ki ek baar zarur visit kariyo and jo bhi services assi provide kar rahe hain and meet with the Brinder sir so that he can advise you in the best possible way. So thank you so much again. For your precious time. Thank you. ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ 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 ਬਸ ਓਨਲੀ ਇੱਕ 80% ਤੋਂ 90% 100% ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਓਨੇ % ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ